हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो लेसन ऑफ नमस्ते इंग्लिश। आज के इस वीडियो लेसन में हम इन्फिनिटिव्स इन्हें डिस्कस करेंगे। इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी किसी सब्जेक्ट या टेंस के चेंज होने पर अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती। इन्फिनिटिव कोई मेन वर्ब नहीं है बल्कि एक वर्ब की बेस फॉर्म है। अब देखिए इन्फिनिटिव्स होते कितनी तरह के हैं। फर्स्ट है इन्फिनिटिव विद टू, जिसे हम बोलते हैं फुल इन्फिनिटिव। इसमें हम वर्ब की बेस फॉर्म से पहले टू लगाते हैं, लाइक टू डांस, टू ईट, टू अंडरस्टैंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इन्फिनिटिव विदाउट टू, इसे हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव या फिर जीरो इन्फिनिटिव। इसमें हम सिंपली वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, बेस फॉर्म से पहले टू नहीं लगाते, लाइक डांस, ईट, अंडरस्टैंड एक्सेट्रा। अगर नेक्स्ट है स्प्लिट इन्फिनिटिव, इसे हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए इस वीडियो लेसन में हम इन्फिनिटिव विद टू एंड इन्फिनिटिव विदाउट टू इन्हें डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फुल इन्फिनिटिव्स। फुल इन्फिनिटिव्स मीन्स इन्फिनिटिव्स विद टू। कहाँ कहाँ पर यूज होता है इनका देखिए। आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, कुछ वर्ब्स हैं इनके बाद टू का यूज होगा, वॉन्ट, डिसाइड, लर्न, विश, एग्री एक्सेट्रा। इनके बाद हमेशा टू का यूज होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब। डिसाइडेड वर्ब है, इसके बाद टू आया, इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म क्विट, टू क्विट है इन्फिनिटिव। नेक्स्ट देखिए आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद भी टू का यूज होगा। बी की फॉर्म्स हैं इज एम आर, वॉज एंड वर, हैव की फॉर्म्स हैं हैज, हैव, हैड। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, यू हैव टू पे फाइन। Have auxiliary verb है, to plus verb की base form pay, to pay infinitive। Next देखिए after modal auxiliary verb, modal auxiliary verb कौन सी है, ought to। You ought to respect your elders, to respect ये है infinitive। अब देखिए कुछ modal auxiliary verbs ऐसे भी हैं जिनके बाद हम full infinitives और bare infinitives दोनों का ही use कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं वो modal auxiliary verbs, ये हैं need and dare, need and dare, जिनके बाद हम infinitive with to और infinitive without to दोनों का ही use कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए need का use कैसे होता है। जब हमने कोई simple sentence बनाना हो, affirmative sentence बनाना हो, तो हम need के बाद to का use करते हैं। देखिए कैसे, यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। नीड टू, नीड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद टू लगाया और बेस फॉर्म टू कंसल्ट, ये इन्फिनिटिव है। आगे देखिए टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस, कोई नेगेटिव सेंटेंस या फिर कोई क्वेश्चन सेंटेंस बनाना हो और उस नेगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस से पहले हम डू या फिर डिड का यूज करें तो हम नीड के बाद टू का यूज कर सकते हैं। कैसे देखिए, डू आई नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, Do I need to consult a doctor? एक question sentence है, need modal auxiliary verb है, to consult, ये क्या है, infinitive। आगे देखिए negative sentence, you do not need to consult a doctor, एक negative sentence है, not लगाया need से पहले और to consult ये है infinitive। अब देखिए need के बाद to का use ना करके verb की base form का use हम कब करते हैं, negative and question sentences बनाने के लिए। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, नीड आई क्विट दैट जॉब, क्वेश्चन सेंटेंस है, नीड से स्टार्ट हुआ है तो क्विट ये है बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म। यू नीड नॉट क्विट दैट जॉब, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगाया, क्विट ये क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म इन्फिनिटिव। नाउ लुक एट डेयर, डेयर के बाद हम इन्फिनिटिव विदाउट टू का यूज हमेशा नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने के लिए करते हैं। कैसे, I dare not say that, negative sentence, क्योंकि not लगाया है dare के बाद तो say, ये है verb की base form यानी infinitive। How dare you come here, question sentence है, dare के बाद verb की base form है, come ये है infinitive। आगे देखिए dare as a main verb is followed by full infinitive and zero infinitive, इसका क्या मतलब है, जब एक sentence में dare के साथ एक और दूसरी verb दी गई हो और dare को एक मेन वर्ब बताया गया हो तो डेयर के बाद हम फुल इन्फिनिटिव या फिर जीरो इन्फिनिटिव इन दोनों का ही यूज कर सकते हैं। कैसे देखिए, हु डेयर्स टू आर्ग्यू विद मी या फिर हु डेयर्स आर्ग्यू विद मी। यहां पर देखिए डेयर्स ये एक वर्ब है, आर्ग्यू ये भी एक वर्ब है, लेकिन यहां पर डेयर्स को एक मेन वर्ब बताया गया है। हु डेयर्स टू आर्ग्यू विद मी
या फिर आप ये भी लगा सकते हैं हु डेयर्स आर्ग्यू विद मी. डेयर्स के बाद टू का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी. आगे देखिए, शी डिड नॉट डेयर टू टॉक टू मी, या फिर शी डिड नॉट डेयर टॉक टू मी. डेयर यहां पर मेन वर्ब है, एक और वर्ब है टॉक. तो आप डेयर के बाद टू का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी. फुल इन्फिनिटिव्स का यूज हम कुछ क्वेश्चन वर्ड्स के बाद भी कर सकते हैं. क्वेश्चन वर्ड्स वेयर, हाउ, व्हाट, हु, व्हेन, ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स हैं. इनके बाद इन्फिनिटिव विथ टू का यूज होगा. लेकिन एक क्वेश्चन वर्ड है वाई, इसके बाद हमेशा जीरो इन्फिनिटिव का यूज होगा, इन्फिनिटिव विदाउट टू. एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखिए, टेल मी व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, टू डू ये है इन्फिनिटिव. Why wait for tomorrow? Why? इसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, वेट, इन्फिनिटिव. Why not buy a new house? Negative sentence. Why plus not plus वर्ब की बेस फॉर्म buy, ये है इन्फिनिटिव. जरन की तरह फुल इन्फिनिटिव का यूज भी हम सेंटेंस में एक सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, टू टेल द ट्रूथ इज ऑलवेज राइट. एक सेंटेंस में सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट क्या है, नाउन या फिर प्रोनाउन. लेकिन ये सेंटेंस में हमने एक वर्ब लगाई है टेल, और उससे पहले लगाया है टू, टू टेल, ये क्या है, इन्फिनिटिव. टू टेल द ट्रूथ, ये है इन्फिनिटिव फ्रेज. इन्फिनिटिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह है जो हमेशा टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट होता है. टू टेल द ट्रूथ, ये क्या है, इन्फिनिटिव फ्रेज, जो एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया. अब आगे देखिए, आई लाइक टू वॉक. टू वॉक यहां पर बाद में आया है इन्फिनिटिव, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट. अब आगे देखिए, आफ्टर एडजेक्टिव्स वी यूज फुल इन्फिनिटिव. एडजेक्टिव्स के बाद हमेशा हम फुल इन्फिनिटिव का यूज करते हैं. पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस एडजेक्टिव प्लस टू इन्फिनिटिव. इट इज गुड टू बी अलोन. इट सब्जेक्ट है, इज है वर्ब की फॉर्म, गुड एडजेक्टिव, टू बी अलोन, ये क्या है, इन्फिनिटिव फ्रेज. वी आर हैप्पी टू सी यू हेयर. वी है सब्जेक्ट, आर बी की फॉर्म है हैप्पी, एडजेक्टिव टू सी यू हेयर, ये है इन्फिनिटिव फ्रेज. फुल इन्फिनिटिव को एक सेंटेंस में एक एडवर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है. जब इसे हम एक एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका काम होता है एक सेंटेंस में जो एक वर्ब दी गई है, जो कि एक मेन वर्ब है, उसके पर्पस को बताना कि वो वर्ब उस सेंटेंस में क्यों यूज की गई है. एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, वी स्टडी इंग्लिश टू अंडरस्टैंड इट. अब इस सेंटेंस में जो एक मेन वर्ब है वो है स्टडी, टू अंडरस्टैंड इट, ये है एक इन्फिनिटिव फ्रेज. दिस इन्फिनिटिव फ्रेज गिव्स एन आंसर ऑफ दिस वर्ब स्टडी. व्हाई वी स्टडी इंग्लिश टू अंडरस्टैंड इट, हम इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, इसे समझने के लिए. अब आगे देखिए, अ टूरिस्ट ट्रेवल्स टू सी प्लेसेस. ट्रेवल्स मेन वर्ब है, टू सी प्लेसेस ये है इन्फिनिटिव फ्रेज. व्हाई अ टूरिस्ट ट्रेवल्स, एक टूरिस्ट ट्रेवल क्यों करता है, टू सी प्लेसेस. अब देखिए, ये थी फुल इन्फिनिटिव्स. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बेयर इन्फिनिटिव्स मीन्स जीरो इन्फिनिटिव्स डिस्कस करूंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.